जिनको जो मेरे बारे में बोलना है बोलने दीजिए, जिनको जो मेरे बारे में कुछ कहना है कहने दीजिए, मैं अपना डेली ब्लॉग अपलोड करता रहूंगा, मुझे जो अच्छा लगेगा। मेरी पर्सनल लाइफ है, हमारे माता पिता हमारे साथ है, इससे बड़ा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? आशा करते बहुत ही अच्छे हो चुका है। मॉर्निंग के टाइम सनी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हो? रागिनी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे? गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग पापा। और मम्मी पापा का हम यहीं से आशीर्वाद लेते हैं। और आज हमें घर से निकलने का प्लान था, तो देखते हैं कैसा क्या होने वाला है, क्योंकि एक एक ऑफर है जिसको हम अभी रिवील नहीं करेंगे। सब कुछ ठीक हो जाए भगवान की दया से, तो वो चीज़ बताएंगे। तो आज का प्यारा ब्लॉग को स्टार्ट करो, फटाफट एडिटिंग कर लिए। 11:57 हो रहा है और इधर देखिए सब लोग छुटकी छुटकी, देखिए सब लोग सो रहे हैं नीचे, क्योंकि भैया लोग हैं ना, कुछ आए हुए हैं मिलने के लिए, तो सब लोग हैं। ये देखिए खाना मेरा निकला हुआ है, देख सकते हो आप लोग। ये देखिए पकौड़ी कचौड़ी सब बना हुआ है, वैसे ही यही होता है यूट्यूबर का लाइफ। फटाफट खाना खाते फिर मिलते हैं आप लोग। दोस्तों मॉर्निंग से थोड़ा कुछ काम था, तो उस वजह से हम लोग वीडियो शूट नहीं कर पाए थे, हम कहीं अलग गए हुए थे। तो अभी हम घर पे आए और हमारे साथ में देखिए ये भैया हैं। कैसे भैया? बिल्कुल मस्त हैं। और आज हमारे घर पे आए थे और इधर गणपति भैया हैं। भैया एक बार नाम बताइए आप। मेरा नाम है अरविंद चौरसिया हुआ। और भाई साहब आप यकीन नहीं करोगे ना, इनका ना इंस्टा पे 1 मिलियन फॉलोवर है भाई, कसम से। मतलब बहुत अच्छा लगा हमें, बस आप लोग का आशीर्वाद और प्यार से 1 मिलियन हो गया है। बिल्कुल, एक बार और इंस्टा आईडी बोलिए तो। मेरा इंस्टा आईडी मतलब द अरविंद चौरसिया करके है। बिल्कुल, द अरविंद चौरसिया करके आप लोग जाके फॉलो कीजिएगा। और हाँ आप बोलिए। अमित ब्लॉग मेरा नाम। अच्छा अच्छा, अमित ब्लॉग करके मेरा एक बिल्कुल चैनल है, इनको भी सपोर्ट कीजिए। और हम सवेरे से क्या है ना कि थोड़ा हम लोग मतलब मैं अलग गया हुआ था, तो भैया लोग घर पे ही थे शायद, और मैं वो चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँ, है ना भैया? जी। अभी सोच रहे कि ना ही बताए, और वो क्या है बस नेक्स्ट ब्लॉग में हम बताने का प्रयास करेंगे। तो भैया ये भैया को 1 मिलियन हम देखे, तो भैया ज़्यादातर अपना खुद का कंटेंट डालते हैं वॉइस वाला। अभी आप यकीन नहीं करोगे ना, बिल्कुल नॉर्मल फ़ोन से डालते हैं भाई। हाँ, बिल्कुल नॉर्मल फ़ोन से। अब ग्रोथ इतनी अच्छी है, मिलियन मिलियन में मतलब वो चीज़ें रीच जा रही हैं इनकी, सोच लो मिलियन से ऊपर तक रीच है, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ये भी ये कोई सिटी से नहीं है, ये गाँव से ही है भैया। हाँ, समझिए गाँव से ही है। और ये चीज़ें मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जॉब के साथ ये कैसे संभाल लेते हैं इंस्टाग्राम, जो मुझसे नहीं हो पाता है। सोचिए अगर मेरे पास जॉब होता ना भैया, तो मैं बोलता है होता ही नहीं हम, फिर भी ये चीज़ें ये मैनेज करते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा हमें कि ऐसे ही ग्रोथ करते रहे हमारे बिहार में क्रिएटर, और भी नाम करते रहे, आगे बढ़ते रहे। बाकी आज भैया को ना हम एक एक्टिंग सिखाएंगे, ठीक है? भैया ऐसे फोर्स में है, मतलब पुलिस वाले हैं ना ये चीज़ें, तो हाँ तो यह नहीं बोल दिए हैं, लेकिन हम भैया को अभी एक्टिंग सिखाएंगे, मतलब हिंदी वाले गाना पे। तो ऐसे भैया एक्टिंग करते हैं बट ये मतलब वॉइस वाला ज़्यादा बोलते हैं ना, इस वजह से। तो हम आ चुके हैं ये वाले लोकेशन पे, 2 मिनट से काफ़ी देर से हम बोल रहे थे, तो भैया को आज सिखाएंगे एक्टिंग। और फिर से हम लोकेशन पे जा रहे हैं जहाँ पे नदी है, फिर अभी थोड़ी देर में मार्केट वगैरह जाएंगे, फिर उसके बाद घर के लिए निकलेंगे, वही चीज़ है। और पापा नहीं आ पाए क्योंकि पापा को थोड़ा सामान जाना खरीदने के लिए जाना था वहाँ पे राशन की दुकान पे, तो वहाँ गए हुए थे। तो हम सोचे कि ब्लॉगिंग यहीं से स्टार्ट कर ले, और थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहे हैं इस टाइम में, तो इसलिए अच्छे से हम ब्लॉगिंग नहीं कवर कर पा रहे हैं। धीरे धीरे सब होगा अच्छा, आप लोग सपोर्ट करते रहो, भगवान जी का कृपा होगा, माता पिता का आशीर्वाद होगा, सब धीरे धीरे ठीक हो जाए। तो गाइस अभी गाना शूट तो किए, भैया जी भी थे और ये भैया हैं। यहाँ पे सूर्य उदय भी ख़त्म हो चुका है, अभी उदय नहीं हुआ है, मतलब किरण डूब चुका है, ऐसा सीन था। और वीडियो जो है बनाने के बाद क्या हुआ कि ऑडियो चला गया वीडियो में से ना भैया। हाँ, बिल्कुल। तो बड़ा खींच चढ़ गया हम लोग का, लेकिन बोले चलिए कोई बात नहीं, फिर से उसको डाउनलोड करके जो है ना फिर से सॉन्ग लगा के उसको अपलोड करेंगे अभी थोड़ी देर में इंस्टा पे। लेकिन इंस्टा से हमको डिलीट करना पड़ा, बड़ा बेकार लगा, बट कोई बात नहीं, नीचे आराम से सुना। चलिए अभी निकलते हैं। तो शूटिंग वगैरह हो चुका, अभी हम साबुत कटोरी मार्केट में आ चुके हैं, और इतना गर्मी था ना वहाँ पे, तो हम सोचे कि भैया लोग के साथ में यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लेते हैं, भैया लोग कल चले जाएंगे, इसीलिए तो थोड़ा कुछ सब्जी वगैरह भी लेना था, तो यहाँ से ले लेंगे फिर घर के लिए निकलेंगे। बाकी भैया पीछे आ रहे हैं, देख सकते हैं। तो नाश्ता वगैरह कर लिया अच्छे तरीके से शाम का, और ये भी भैया साथ में, ये हमारे पास के ही हैं भैया, इनसे भी मिलना जुलना बनता ही रहेगा। और टमाटर 1 किलो ले लेते हैं और 100 ग्राम आलू ले लेते हैं अभी सब्जियों के लिए। और भैया देख सकते हो वहाँ पे खड़े हैं, बड़ा मज़ा आया। खाने पीने वाला क्या सूट करें, आप लोग देखते ही रहते हो जी। 1 किलो दोनों मिला के दे दीजिए, उसी में कितना हो जाएगा जी? जी जी हाँ।
पकड़ी थी मेरे को। तो गाइस जस्ट अभी हम घर पे पहुंचे हैं, ये देखे पापा जी हैं और इधर मम्मी है, अपना व्लॉग देखने में लगी हुई है। रागनी में मस्त सो गई है, बाबू भी सोया हुआ है। नहीं सुने तो सुने, सर्दी हो जाएगा उसको। रागनी घर में सो जाएगी, हम बाहर से नहीं नहीं ये कैसे सोती नहीं ठीक है। आई देखिए, ये देखिए बाबू का व्लॉग चल रहा है, सब देख रहे हैं। हाँ टूट गया था उसमें से, कोई बात नहीं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि भैया लोग नीचे ठहरे हुए, मस्त खाना वाना बनिया बना दिए हैं, खा रहे हैं। बार बार एक ही चीज़ का ब्लॉग बनाना अच्छा नहीं लगता है, और भैया लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, मैं सच बताऊं आप लोगों को तो दिल से धन्यवाद। बस क्या ही बोले, खाना वाना खा लेते फिर मॉर्निंग मिलते आप लोगों से। तो गाइस अभी मॉर्निंग का टाइम हो चुका है, दो तीन दिन से आप लोगों ने हमारा ब्लॉग में नोटिस किया होगा कि हम ब्लॉग जो अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं, अच्छे से वीडियो नहीं कवर कर पा रहे हैं, फैमिली के साथ बना नहीं पा रहे हैं, क्योंकि फैमिली हमारा ऐसा बिजी हो रही है, कुछ परेशानियाँ चल रही है। परेशानियाँ यही है कि कुछ दिन पहले हमने रिसेंटली ब्लॉग अपलोड किया था, जिसके लिए हमने मांग करी थी कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए इस चीज़ को लेकर के। तो उसी में जो है हम पूरे परिवार मिलकर के लगे हुए हैं, और सच ये है कि हम अपने परिवार को जो है हम नहीं चाहते कि कोई नर्क के चीज़ों में धकेल दे, इसकी वजह से परेशानी हो। क्या पापा उसके लिए चुप रहना ही सही है, क्योंकि ये दुनिया ठीक नहीं है। मैं आपको बताऊँ इसमें आप जितना चुप रहोगे, जो चीज़ों को सहोगे, उसके लिए आपके लिए भलाई है। और हमारे साथ तो ऐसा रोज़ का हो गया है कि परेशानियाँ होते रहते हैं, हमारे साथ नहीं काफ़ी सारे क्रिएटर के साथ में भी होता है ये। और मैं तो सोचता था कि मेरे साथ ही ऐसा घटना घटित होता है, लेकिन हमसे जो तीन तीन चार चार मिलियन दस दस बीस बीस मिलियन बने हैं, उनके साथ भी ऐसा होता है। और वो मैंने खुद एक वीडियो में भी कवर किया, जैसे पारस भैया है उनके परिवार में भी ये सब चीज़ों का घटना होता रहता है। और पर्सनल लाइफ में देखिए क्या होता है ना कि एक नीचे स्तर से जब इंसान उठता है ना, तो किसी को चाहे हम हो कोई भी हो, इंसान लालच कभी ख़त्म नहीं होता है, उसको ऐसा लगता है कि वो हमसे बहुत आगे जा रहा है, उसको कैसे भी करके गिराएं। तो वो चीज़ें परेशानी हमारे लाइफ में भी आई, और यहाँ तक नहीं कि हमें लोग बोल दिए, चलो बोल दिए वो बात अलग है, वहाँ तक सामने से बोल दिया किसी को भी, मानी कि कोई व्यक्ति है हमको बोल रहा है, हम अपने सक्सेस के राह पे हम बढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो बोलने तक ही सीमित रहा जाए और परिवार को नुकसान पहुँचाना ये चीज़ें गलत था। और हम लोगों ने आवाज़ उठाई, और आप लोगों का मांग है यही कि आप कब जो है इस चीज़ के बारे में क्लियर करोगे, लोगों को बताओगे। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले मेरे परिवार सुरक्षा रहे, मम्मी पापा ठीक रहेंगे तो हम भी ठीक रहेंगे। मेरे ऊपर तो उससे भी पहले कई प्रकार की वीडियो बनाई गई, झूठे झूठे आरोप को लेकर के, राजा ब्लॉग एक्सपोज, राजा ब्लॉग यूट्यूब चैनल ऐसा है, राजा ब्लॉग यूट्यूब चैनल वैसा है, ये प्रकार प्रकार के अन्य प्रकार के वीडियोज़ बनाया गया। बट उस चीज़ में मैं वैसा था ही नहीं, तो इसलिए मैं किसी का जवाब नहीं दिया, किसी के बारे में कभी कुछ बोला नहीं है, क्योंकि जब तक मैं किसी को कुछ बिगाड़ूंगा नहीं, तब तक मुझे भगवान भी कभी नहीं बिगाड़े। क्या पापा, मैंने बहुत सारे अपने लाइफ में बहुत सारे क्रिएटर का मदद किया, उनको वायरल किया, सपोर्ट किया, लेकिन अभी उनका हालात ऐसा है कि एक एक रुपये के लिए वो तरस रहे हैं, फिर से वो वापस चाहते हैं कि राजा ब्लॉग के पास आ जाएँ, उनसे हम शॉर्ट कट कर लें, फिर से राजा ब्लॉग हमको वायरल कर दे। तो वो चीज़ें हमने देखा, लेकिन हमारे चैनल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे जो लोग जितने लोग सपोर्ट किए हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, करते रहेंगे, और छोटी मोटी परेशानियाँ थी इस वजह से हम ब्लॉग नहीं कवर कर पा रहे थे। बाकी एनीवे जिसको इग्नोर करके ही चलना है, इग्नोर नहीं करेंगे तो अपनी लाइफ में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और मैं एक चीज़ मैं बताना और चाहूँगा कि जितने भी मेरे साथीगण थे जो हमारे साथ चीटिंग करके बढ़ गए थे आगे, मैं उनके लिए बोलना चाहूँगा, जब एक्सपोज का बात हो ही रहा है तो उनके व्यूज़ अच्छे आते थे, लेकिन अभी मैं देखा हूँ कि उनके हालात हमसे भी बदतर है। तो वो क्यों है? क्योंकि उन लोगों ने जो झूठ का साथ दिया, मुझे धोखा दिया, मुझे डिफेम करने का कोशिश किया, तो भगवान भी देखते हैं। क्योंकि देखो, इंसान इस दुनिया में अपने आप को जितना भी बड़ा बना ले, लेकिन ऊपर वाला ज़रूर देखता है कि नहीं, इसने जो है गलत किया है, इसको सजा मिलना चाहिए, ये चीज़ें होता है। तो बस इसी कारण था, यही सब कारण था कि हम लोग घर में बिजी थे और मतलब थोड़ा ये सब चीज़ों को ठीक करने में लगे थे, ताकि जो ठीक हो जाए, अच्छे से हम लोग जो है ब्लॉग वगैरह शूट कर सके और अच्छे से वीडियो कर सके। तो आई होप आज से अच्छा अच्छा वीडियो हम लोग शूट करने का प्रयास करेंगे, बढ़िया बढ़िया ब्लॉग देंगे। और बाकी अभी जो चीज़ें भगवान के ऊपर निर्णय है, मम्मी पापा भी हैं साथ में, तो उसका भी जवाब आएगा, अभी नहीं आएगा, वीडियो आएगी। बस आप लोग का क्वेश्चन रहता है कि क्या हुआ, क्यों नहीं बता रहे आप, तो हमने एक वीडियो में क्लियरफाई कर दिया कि चुप रहने में ही भलाई है, क्योंकि हम कीचड़ में अपने आप को दिखाएंगे कि कीचड़ से हम लड़ जाए, पत्थर मार देंगे, कीचड़ ना हमारे ऊपर भी पड़ जाएगा, और मेरे साथ मेरे ऊपर तो पड़ेगा ही, मेरे साथ तो मेरे परिवार पे भी पड़ जाएगा, तो उस कीचड़ से ही दूर रहने में भलाई है। तो आई होप आज की वीडियो में यही चीज़ें बोलना था कि भाई
बहुत सारे वीडियोस बने, हमने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, आपका राजा ब्लॉग को भी कुछ नहीं बिगाड़ा, क्योंकि भगवान है, माता पिता यहाँ पे हैं, सपोर्ट है हमको। तो भैया ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे, दंदनाते रहेंगे, रोते रहेंगे, हंसते रहेंगे, आप लोगों को हंसाते रहेंगे, राजा ब्लॉग को कुछ नहीं होगा। जिनको जो मेरे बारे में बोलना है बोलने दीजिए, जिनको जो मेरे बारे में कुछ कहना है कहने दीजिए, मैं अपना डेली ब्लॉग अपलोड करता रहूँगा, मुझे जो अच्छा लगेगा। मेरी पर्सनल लाइफ है, हमारे माता पिता हमारे साथ है, इससे बड़ा कुछ नहीं। आई होप आज की वीडियो के लिए इतना, चैनल को बराबर सब्सक्राइब कर लो, बगल में स्टडी जाकर के फॉलो कर लो, अपने किसी भी निकाल के मेरा ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।